यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सारी फैसिलिटीज हैं, घर की तरह है, हम सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। आई हैव सीन रूम्स इन राजेंद्र नगर एंड एवरीवेयर, तो उनके कंपैरिजन में तो दीज आर मच बेटर। मेरे फैमिली में कोई नहीं था इस टाइप से सपोर्ट करने के लिए, जो भी हुआ है हमें मैम के थ्रू सारी बातें ज्यादातर पता चलती हैं। द एनवायरनमेंट इज आल्सो वेरी ग्रेट, द गर्ल्स हियर आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव, फैसिलिटी मिल रही है। एक जो खास बात है यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ पर हर स्टेट की लड़कियाँ और लड़के हैं जो हमें देखने को मिली। मणिपुर से हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं, हैदराबाद से हैं और अपने भोपाल से हैं और MP से हैं। क्या है जो याद रहनी चाहिए और ये SDG गोल्स हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे हॉस्टल दिखा रहा हूँ जो सर सैयद रिवोल्यूशनल मिशन जो UPSC की तैयारी कराता है। तो यहाँ पे कुछ लड़कियों के रहने के लिए, लड़कों के रहने के लिए भी हॉस्टल्स की फैसिलिटी दी गई है। आप ये देख सकते हैं सेपरेट रूम है और रूम के अंदर भी जाके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम है, एक रूम यहाँ पर है, तो इस फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4-5 रूम है और यहाँ पर एक पढ़ाई करने के लिए एक स्टडी का रूम कह सकते हैं और एक लॉबी है यहाँ पे जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हॉस्टल्स हैं बच्चों की, खासकर आज लड़कियों के हॉस्टल में आया हूँ और आने वाले दिन में और भी मैं दिखाऊँगा आपको इस चैनल पर हॉस्टल्स के बारे में। तो ये हॉस्टल्स हैं, साथ में बच्चियों के लिए यहाँ पे हॉस्टल के अलावा वाईफाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई लगी हुई है और इसमें 24/7 इंटरनेट फैसिलिटी होती है ताकि बच्चे जो है एक्सेस कर सकें। इसके बाद मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये किचन है, यानी कि लड़कियाँ यहाँ पे जो रहती हैं ग्रुप में यहाँ पे खाना वगैरह बनाएं और चाहे तो वो मेड भी रख सकती हैं, इस तरह की यहाँ पर अरेंजमेंट है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटी जो सर सैयद रिवोल्यूशनल मिशन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है वो काबिले तारीफ है। देखिए RO भी यहाँ लगा है। तो यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं रहती हैं, खुद से खाना ही बनाती हैं और जैसे उनको लगता है इस तरह से यहाँ पे सारी व्यवस्था। तो ये किचन है, चलिए मैं आपको हॉस्टल ले जाता हूँ और एक रूम में आपको, जैसे ये मैं इस हॉस्टल में आ रहा हूँ, देखिए ये एक रूम है, आई थिंक 10x12 का रूम है। यहाँ पर 3 बेड्स हैं लड़कियों के लिए और कुछ लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके साथ आज मैं कुछ बातें करूँगा। सो दोस्तों आज हमारे साथ 4 लड़कियां हैं यहाँ पे मौजूद इस हॉस्टल में और एक एक करके मैं सबसे बातें करूंगा। आपका नाम? शबिस्ता असलम। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? गोरखपुर, UP। गोरखपुर जी। इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कब पता चला था? जी मुझे 2020 जब इसका फॉर्म आया था उसके पहले मुझे यूट्यूब से भी पता चला था। अच्छा। और तो मैंने फॉर्म इसका नोटिफिकेशन के बाद इसका फॉर्म भरा, अप्लाई किया था जी। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली है? ग्रेजुएशन जी जी मेरा कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन 17 में 2000। किस सब्जेक्ट से किया आपने? मेरा जूलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। यहाँ पे इस हॉस्टल में मुझे तो लग रहा है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हाउ यू आर फीलिंग, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट के बारे में बताइए जो ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है। जी अरेंजमेंट तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब फैसिलिटी के नाम पे मतलब जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो देखा जाए तो फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपकी तैयारी अभी कैसे चल रही है बेटा? जी मेरी तैयारी माशाल्लाह से ठीक चल रही है। अभी तो लॉकडाउन के बाद जैसे ही सारे इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं कि कैसे तैयारी की जाए। सब चीज़ें तैयारी करने के लिए अपना मोटिवेशन एक चाहिए होता है, आपको डेडिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए होता है जो आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आके आपको लग रहा है कि व्हाट एवर यू वेर एक्सपेक्टिंग यू आर गेटिंग, राइट? या ऑलमोस्ट। मुझे भी यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता चला। अच्छा। था फिर मैंने फॉर्म फिल किया उसके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ। ओके। सो आपने एंट्रेंस निकाला था यहाँ पे, फिर उसके बाद एंट्रेंस दाखिल हुए। तो जब आपके यहाँ पे दाखिल हुए तो आपको कैसा लग रहा था कि किस तरह का इंस्टीट्यूट होगा, पता नहीं क्या पढ़ाई? शुरू में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मतलब डर था कि पता नहीं सारी चीज़ें हमें मिल पाएंगी या नहीं। लेकिन माशाल्लाह यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सारी फैसिलिटीज़ हैं, घर की तरह है, हम सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। बिल्कुल। तो कुछ फील नहीं होता कि हम लोग घर से दूर हैं और किस लिए आए हैं। सो यहाँ पे अभी जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, जो सर सैयद रिवोल्यूशनल मिशन की बात अगर करें, यहाँ पे
फैकल्टी है, किस तरह की फैकल्टी है, पढ़ाई कैसे होती है, इसके बारे में बताइए। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर, ऑफलाइन हमारी क्लासेस भी हमें काफ़ी प्रोवाइड की गई हैं यहाँ, और लाइब्रेरी में भी ठीक है, सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी दे रखी हैं लोग। सो टीचर्स कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए? टीचर्स अलग अलग एरिया से थे सभी, मुखर्जी नगर से थे कुछ। अच्छा। अलग से सही नितिन सर हैं और नरेंद्र सर वगैरह, सारे टीचर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी यूट्यूब के थ्रू भी हम लोगों को अब क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं था इस टाइप से सपोर्ट करने के लिए, जो भी हुआ है हमें मैम के थ्रू सारी बातें ज़्यादातर पता चलती हैं, सारा गाइडेंस वही करती है हमारा। ठीक, मेरा नाम निशा है, मैं यहीं दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मैं डेली सिटीजन हूँ जो यहीं रह रही हूँ। और यहीं आप रह रही हैं? जी हाँ, यहाँ जैसे आगे सेशन स्टार्ट हुआ था January 1st से, तब भी मैं यहाँ आ गई थी RCA क्लियर करके। उसके बाद यहाँ पे अभी आपकी तैयारी चल रही है? जी हाँ, तैयारी चल रही है बिल्कुल। तो आप नॉर्थ ईस्ट में रहती है तो घर जाती हैं? हाँ बिल्कुल, जब ही ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि ज़्यादा जाएंगे ऑब्वियसली अपनी स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, महीने में या दो महीने तीन महीने में जब कभी ज़्यादा नीड होती है तो ही जाना होता है। अच्छा, आपने नाम क्या बताया था? जी निशा। निशा, आपको कैसा लग रहा है, आप जो मकसद लेके आए हैं यहाँ पे, एक एम जो होता है कि आपको सिविल सर्विसेज निकालनी है, तो आपको कैसा लगता है कि आप इस माहौल में रह के यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की पढ़ाई करके आप उस जो आपका मकसद है उसको हासिल कर पाएंगे? जी, जो अपना मकसद है उसे हासिल करने के लिए सबसे पहले डेडिकेशन, डिसिप्लिन जो चाहिए होता है, उसके अलावा जो हमारी फिज़िकल जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई का माहौल, और दूसरा अपनी एक लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई का माहौल, और अपनी जो बुक्स वगैरह जो होती हैं, टीचर्स हैं या उनके गाइडेंस है या उनका मॉरल सपोर्ट है, ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वो जो चीज़ जहाँ मिल जाए तो वही चीज़ जगह बेहतर है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको यहाँ पे ना? जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम अंशरा फातिमा है, मैं बनारस से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन BCom किया है BHU से। BHU से, अच्छा, तो बनारस से आप यहाँ आई हैं? जी। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? वही व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता चला। अच्छा। कि एक इंस्टीट्यूट है जिसके फॉर्म्स आउट हुए हैं, और बस फिर लगा कि अप्लाई करना चाहिए और हो गया। तो सिविल सर्विस में ही क्यों जाने की आपने सोची है? मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंसिडर किया जाता है कि सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है कंट्री का, और बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि रेशियो बहुत कम है सिविल सर्वेंट्स का, तो मुझे लगा कि ये चैलेंज लेना चाहिए। तो मतलब आपको चैलेंज लेना ज़्यादा पसंद आता है, राइट? जी। सो BHU से आपने BCom किया? जी। उसके बाद आप कब आपने BCom किया? 2019 में। ओके, उसके बाद आप देन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू नो UPSC, राइट? और आप एक प्लेटफॉर्म खोज रही थी जी कि कहाँ पे जाए, क्या करें, क्या तैयारी हो, किससे मिले, है ना? तो जी। इसी बीच आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और आप यहाँ चले आए, राइट? जी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी तैयारी चल रही है, आपकी जो पढ़ाई चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे चल रही है? अभी तो बिकॉज ऑफ़ द लॉकडाउन काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन इनिशियली जब जनवरी में जब कोई और कोचिंग सेंटर नहीं चल रहा था, फिर भी हमारी क्लासेस चल रही थी, तो और मेरे जैसे फ्रेशर्स जिनको उतना आइडिया नहीं था, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई। जो 3-4 महीने हमारी रेगुलर क्लासेस हुई हैं उसमें हमें काफ़ी क्लैरिटी मिली और मोटिवेशन मिला कि हम इसी साल अपीयर करें इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अनदर ईयर। जी। सो अभी आप यहाँ पे जो हॉस्टल्स मिली हुई आपको, इसको किस तरह देखती हैं, आपको कैसा लग रहा है जो फैसिलिटी मिली हुई है? आई हैव सीन रूम्स इन राजेंद्र नगर एंड एवरीवेयर, तो उनके कंपैरिजन में तो दीज आर मच बेटर, मच मच बेटर। सो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि राजेंद्र नगर वगैरह में जो भी हॉस्टल वगैरह है लड़कियों के लिए, और अगर उसको कंपेयर करें यहाँ पे, तो जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ पे काफी फैसिलिटीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यू आर फीलिंग कंफर्टेबल ओवर हियर, राइट? द एनवायरनमेंट इज आल्सो वेरी ग्रेट, द गर्ल्स हियर आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव, सो इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने किचन का भी लिया, तो किचन खाना आप लोग खुद बनाती हैं? जी, हम खुद बनाते हैं, बाहर की मेस यहां की मेस है, वहां से भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, उनसे ले लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज तुम बनाओगी या दोपहर में बनाएगी? वो हमारा अपना म्यूचुअल कंसेंट होता है, जिसका दिल करता है वो ऐसा बना लेता है। अच्छा, मिलकर होता है। जी हाँ, डिवाइड कर लेते हैं सारा, थोड़ा थोड़ा वक्त किसको क्या करना है, जो दिल करता है वही बनाते हैं। स्पेशलिटी होगी आपको, रोटी अच्छा बनाने आता होगा, चिकन खाना ज्यादा अच्छा पसंद आ रहा होगा, तो इस तरह से आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप लोग के बीच लड़ाई नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं होती, सही है, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं और लड़ाई का तो सवाल ही नहीं है। सो मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आई हैं, और जब हॉस्टल में होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वो चीज़ नहीं है स्कूल वाले चीज़, स्कूल हॉस्टल में तो वैसा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद से भी खाना बनाती हैं,
कभी कभी लगता है तो बाहर से मंगा ले ली, मंगा लेती हूं, कभी आप खुद। बहरहाल यहाँ के मेस तो है ही। अच्छा, यहाँ की अपनी मेस है, यहाँ मेस प्रोवाइड होती है। जी हाँ, मेस भी है। जो लेबर है वो चली गई है। एक जो खास बात है यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ पर हर स्टेट की लड़कियाँ और लड़के हैं जो हमें देखने को मिली। मणिपुर से हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं, हैदराबाद से हैं और अपने भोपाल से हैं और एमपी से हैं। सारी डाइवर्सिटी मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की यहाँ लड़कियाँ हैं जो हमें अलग अलग स्टेट्स की लड़के साथ पढ़ने का मौका मिला, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके थिंकिंग के साथ जानने का मौका मिला और ख़ुद को एक्सप्रेस करने का यहाँ पर मौका मिलता है। ये बहुत पॉइंट वाली आपने बात बोली, यहाँ पे सब तरह की बच्चियाँ हैं। जी हाँ, उनके कल्चर को जानने को आपको मिला। जी जी, कि कल्चर वो जान रही हैं। और फिर हम अदर स्टेट्स की लैंग्वेज के कुछ कुछ पर्टिकुलर जो वर्ड हैं वो हम सीख लेते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि मणिपुर की हैं, जब हम कोई डेली लाइफ में कोई वर्ड लेते हैं जैसे आटा, या जब हम रोटी बनाते हैं वो चिमटा, चिमटा को वो मेचअप कहती हैं। अच्छा। तो हम इस तरह से नए चीज़ भी सीख रहे हैं स्टडी के अलावा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हॉस्टल में था जी। ये यहाँ की बहुत अच्छी खासियत है, यहाँ पे कोई बंगाली भी है तो हमसे बंगाली के भी थोड़े बहुत मज़े ले लेते हैं लैंग्वेज के। जी, हम लोग फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आए तो हाँ, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हॉस्टल का। सो यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं हॉस्टल में, तो एक माहौल जो होता है लड़कियों का वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और इनकी बातों से ये लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल घर जैसा माहौल है, किचन भी है, लड़कियाँ खाना खुद से भी बनाती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे is the best place for girls especially. जी हाँ, especially लड़कियों के लिए। दिल्ली में है और दिल्ली के बाहर है, और वो दिल्ली में आके सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं, करना चाहता भी है, उनके लिए SSERM is the best place. आप यहाँ का रुख कर सकते हैं, और इस बार जो है 360 सीट हैं, और आपको हॉस्टल भी मिलती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, 3 बेड हैं एक रूम में, 10x12 का रूम है, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, साफ सफाई, सफाई के लिए भी आती हैं, किचन वगैरह है ही है। अच्छा ये बताइए, ये सब आपने क्या लगा के रखा है आपको? ये स्टिकी नोट्स, कुछ वर्ड्स या ऐसा कुछ वोकैबुलरी में है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हैं, कुछ डेटा है जो याद रहनी चाहिए, और ये SDG गोल्स हैं, और ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस का डिस्टिंक्शन है। तो जो भी सिग्निफिकेंट लगता है, जो लगता है कि मतलब कहीं नोट कर लेना चाहिए ताकि इस पर बार बार नज़र पड़ती रहे, याद हो जाए, तो वो मैंने स्टिकी नोट के फॉर्म में लगाया। और इस सर दीवार में ये सजा के रखा है आप लोगों ने, क्या है ये? उस भाग की क्रिएटिविटी। ये कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तो हम कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हैं इस टाइप से, तो वही सब है ये। तो ये आपने बनाया है उस्मान? जी, इट इज लुकिंग ग्रेट, दीवार पे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये किसने बनाया? ये मैंने ही बनाया है, ये मैं जामिया से भी डीएलएड कर रही हूं तो उसी के लिए था, कंपटीशन में किया था मैंने। यू आर क्रिएटिव आल्सो, क्रिएटिविटी भी है, बहुत बढ़िया है। और यहां पे आप देख रही हैं, इन्होंने डेट्स डाले हुए हैं कि कब यूपीएससी के एग्जाम है। इस बार प्रीलिम्स आप सभी लोग दे रही हैं? जी हां, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोग की तैयारी कैसी है? आप अगर इसको देखेंगे, आप लोग तैयारी कैसे चल रही है, कैसा लग रहा है कि सर? अब तक की तो अच्छी चल रही है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, फिर बीच में कभी कभी डीमोटिवेटिव भी हो गए थे, तो मैम ने एक सेशन रखा, तो सर मैम ने हम लोगों को बुलाया और हमें जो हमसे कुछ गलतियां हो रही थी उन्होंने सुनी और उनको इम्प्रूव करवाने की हमसे कोशिश भी की, और जो उनको हमें गाइडेंस करनी थी मैम और सर को पर्सनल लेवल पर हमको बुला कर वो उन्होंने हमें हमारे साथ किया। तो बहरहाल अब तक तो अच्छी चल रही है। सी सेट वगैरह की तैयारी आप लोग की है? सी सेट पूछे जाएंगे जी। सर मैंने देखा है आपका चैनल यूट्यूब पर, और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। आई मीन जो लास्ट ईयर वो जामिया का RCA हुआ था, उसका जो कट ऑफ वगैरह आई थी, बहुत नॉलेज मैंने आपके चैनल से ली थी V2 मीडिया पर, तो मैंने यहाँ तक आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है। बहुत बढ़िया। सो देखो दोस्तों, एक सब्सक्राइबर भी हमें यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है हमारे चैनल को, और फॉलो भी करती हैं टेलीग्राम पे, तो आप लोग भी जुड़िए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया करता हूँ, ऐसी ऐसी जो है डिटेल्स लाता हूँ जिसकी ज़रूरत आपको है। मेरी जिम्मेदारी बस यही है कि मैं आपकी किसी तरह से भी काम आऊँ हमारा चैनल, तो उसके लिए मैं बेस्ट एफर्ट बेसिस पे कोशिश करता हूँ। और ये लड़कियाँ कह रही हैं कि हमारे चैनल पे वो फॉलो करते हैं, तो ये हमारे खुशनसीब भी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप देख सकते हैं यहाँ पे
लड़कियां बहुत खुश हैं यहाँ पे हॉस्टल में, और इनकी कॉन्फिडेंस बता रही है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है माशाल्लाह। और आने वाले दिन में हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से इनको दुआएं हैं कि ये कामयाब रहें ज़िंदगी